सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बीजेपी सरकार पर बड़ा हमला बोल दिया। अखिलेश ने कहा कि अयोध्या में जमीनों की लूट मची है। अयोध्या को लेकर हम पहले भी मुद्दे उठाए, लेकिन सरकार के अधिकारी और भाजपा के लोग लूट में लग गए। जहां लूट होगी वहां विकास नहीं होगा। हम अयोध्या के नेताओं ने लूट का काला चिट्ठा खोला। अब सोचिए पूरे प्रदेश में कितनी लूट हो रही होगी। अयोध्या के किसानों की मांग थी कि सर्किल रेट बढ़ाया जाए। इन्होंने किसान के सख्ते दमों में जमीन ले ली। अब सर्किल रेट बढ़ा दिया गया। वहीं मंगेश एनकाउंटर पर कहा कि सरकार ने यूपी को फर्जी एनकाउंटर की राजधानी बना दिया। अखिलेश ने कहा कि सरकार के नेताओं और अधिकारियों की सूची और रजिस्ट्रियां हमारे पास हैं। इन्होंने सेना की जमीन पर कब्जा कर दिया, जिन्हें डिफेंस और ओर से नहीं दिखता था। उस जमीनों को इतना बेच दिया और इन्हीं लोगों ने इस जमीन को बेचा है। अपनी सुविधा के लिए रेलवे अलाइनमेंट बदल दिया। अपनी हार की खीज में इन्होंने रेलवे अलाइनमेंट बदले। जिन्होंने करप्शन पे जीरो टॉलरेंस का नारा दिया, वो कहाँ है? अयोध्या में लूट का अड्डा बना दिया। समाजवादी पार्टी गरीबों के साथ खड़ी है। अयोध्या एक वर्ल्ड क्लास सिटी बनेगी। इसके लिए दिमाग होना चाहिए। 2 साल बाद जब समाजवादी सरकार आएगी तो उन्हें सर्किल रेट बढ़ाकर मुआवजा दिलाया जाएगा। महायोगी ट्रस्ट में भी अधिकारी घुस कर लूट कर रहे हैं। आइए सुनाते हैं आपको क्या बोले अखिलेश यादव। हम अपने अयोध्या वासियों को भरोसा दिलाते हैं कि 2 साल के बाद जब सरकार समाजवादियों की आएगी, अयोध्या को वर्ल्ड क्लास सिटी और किसी भी हमारे गरीब किसान उसका नुकसान नहीं होने दिया जाएगा। उनकी ज्यादा से ज्यादा भरपाई की जाएगी। और अगर सर्किल रेट भी हमें बढ़ा करके अगर अयोध्या वासियों को मुआवजा देना पड़ा तो सर्किल रेट बढ़ा करके उनको मुआवजा दे करके उनके घर परिवार में भी खुशहाली लाने का काम करेंगे। अखिलेश ने कहा कि सुल्तानपुर में जो घटना हुई ऐसे पहले भी हुई। इससे पहले भी इनके नेता द्वारा वहां हत्या की गई। मंगेश यादव एनकाउंटर केस में गांव वाले भी कहते हैं कि पुलिस रात में उठाकर ले गई। उसके पास जो मोटरसाइकिल मिली उसकी चोरी कई दिन बाद लिखी गई। नया बैग मिला, उस बैग में नए कपड़े मिले, चप्पल में एनकाउंटर किया गया। ये पहला झूठा एनकाउंटर नहीं हुआ, पहले भी एनकाउंटर झूठे हुए। अब तक जितने एनकाउंटर हुए सबसे ज़्यादा पीडीए परिवार के मारे गए। भारत सरकार ने फर्जी एनकाउंटर का राजधानी बना दिया। जिसका दिल दिमाग नकारात्मक हो उसे विकास की उम्मीद नहीं कर सकते। अगर दिमाग होता तो चप्पल में एनकाउंटर ना करते। ये सरकार लूट के साथ डर दिखाकर एनकाउंटर कर रही है। जो लोग अधिकारी रात में हत्या की रणनीति बनाएंगे उनसे न्याय की क्या उम्मीद करें। आइए सुनाते हैं आपको इस मुद्दे पर क्या बोले अखिलेश यादव। एक तरफ तो जहां ये लूट मची उत्तर प्रदेश में, वहीं अन्याय की सब सीमा टूट गई है। अभी हमें सुल्तानपुर के परिवार के सदस्य मिले जिनके बेटा इंजीनियर। कोई कल्पना कर सकता है आज के समय पर कि मुंह पर टेप लगा दिया जाए, हाथ पैर बांध दिए जाएं और पीट पीट करके उसकी जान ले ली जाए? क्या ये सुल्तानपुर की पहली घटना थी? इससे पहले भी इसी तरह की घटना हुई थी, अगर आपको याद हो, कि भारतीय जनता पार्टी से संबंधित रखने वाले ने एक हत्या की थी वहीं पर सुल्तानपुर में। और अभी जो झूठी कहानी पढ़ी जा रही है एनकाउंटर को लेकर के, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो न जानता हो कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में झूठे एनकाउंटर हो रहे हैं, हत्या की जा रही है। जो मंगेश यादव की हत्या हुई है, गांव से लेकर के आसपास के लोग जानते हैं कि पुलिस रात में आई थी, उठा ले गई, पुलिस उठा करके ले गई एसटीएफ। और सोचिए आप कैसी कहानी गढ़ी गई कि उसके पास नया बैग था। भाजपा सरकार किसी की सगी नहीं, उन्हें अपने स्वार्थ सिद्ध करना है और अयोध्या की लूट की सूची संसद सदन में दी जाएगी। जब गरीब से जमीन ली जा रही है तब सर्किल रेट क्यों ना बढ़ाया गया? इस जमीन रजिस्ट्री में सबकी फोटो लगी है, उनके परिवार के लोगों की फोटो लगी है और अब तय है कि इसके बाद मुख्यमंत्री जी कोई अलग सूची नहीं पढ़ पाएंगे। आइए दिखाते हैं आपको क्या बोले इस मुद्दे पर अखिलेश यादव। मठाधीश और माफिया में कोई ज्यादा फर्क नहीं होता। इसके बाद अखिलेश यादव ने भाजपा सरकार पर कई बड़े आरोप लगाए।
जैसे कि गलत एनकाउंटर करने के और यूपी में धांधली करने के। ऐसे अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज़ वन इंडिया।